हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हैदराबादी दही बड़ा। हमने इसमें यूज़ किया है मिल्क, कर्ड, सोडा, रेड चिल्ली पाउडर, साल्ट, टर्मरिक पाउडर, मस्टर्ड सीड, करी लीव्स, ग्रीन चिल्लीज, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, ड्राई रेड चिल्लीज, रिफाइंड ऑयल एंड वाटर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसका बैटर। एक बाउल लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा सोडा, टेस्ट अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें बेसन डाल के अच्छे से चलाते रहेंगे। स्मूथ बैटर आने तक अपने हाथ चलाते रहिए। कंसिस्टेंसी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप मिक्स कीजिए। पानी ज़्यादा डालेंगे तो पकौड़ा बहुत ऑयली हो जाएगा। हमें कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए। अब हम इस बैटर को 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे पकोड़े सॉफ्ट और फ्लफी बन पाएं। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। एक बाउल में 2 कप दूध ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, तीखा चाहिए तो 2 से 3 मिर्चा ले लीजिए और कटी हुई मिंट और हरी धनिया का पत्ती ऐड कर लीजिए। मैं इसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि हमको दही बड़े ज़्यादा खट्टे नहीं पसंद। अगर आप खटास पसंद करते हैं तो 1 कप दूध, 1 कप दही मिलाइए, या तो फिर आप सर्दी के मुकाम पे रहते हैं तो पूरा दही से बनाइए क्योंकि सर्दी में दही खट्टा नहीं होता। आप दही बड़ों को 10 या 15 मिनट में खाना चाहते हैं तो दही की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, दूध को कम कर दीजिए। एक चम्मच के मदद से हम इसमें पकोड़े का बैटर धीरे धीरे डालेंगे। कुछ देर बाद इसकी फ्लेम को कम कर देंगे।
ये पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इसे निकालकर हमने जो दही वाला बाउल बनाकर रखा है उसमें ऐड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम इस दही बड़े में तड़का लगाएंगे। इसमें एक टेबलस्पून ऑयल डालकर 2-3 सूखे मिर्ची को तोड़कर डालेंगे। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड, 10-15 करी लीव्स डालेंगे। अब गैस बंद करके इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इस मिक्सचर को हम दही बड़े वाले बाउल में डाल के अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको 2 घंटे तक छोड़ देते हैं ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले लिक्विड को। दो घंटे हो चुके हैं, अब ये डिश खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप ये देख सकते हैं, इसका दही भजिए के अंदर तक जा चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।